जिले में अब महिलाएं सड़कों पर, आप देख सकते हैं यह तस्वीर, बक्सर जिले की महिलाएं हैं जो जल नल और बिजली में अनियमितता को लेकर के आज सड़कों पर हैं। आइए जानने का प्रयास करें कि क्या मामला है। आप लोग सड़कों पर उतरी हैं क्या? हमारी 3 सूत्रीय मांग है। पहली मांग जो है, नल जल योजना का फेल्यूअर धरातल के हर घर में दिख रहा है। सरकार को जाके हर घर देखना चाहिए, सिर्फ पेपर नहीं देखना चाहिए। शौचालय केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने घर घर लगवाया है, लेकिन किसी घर में महिलाओं, गरीब महिलाओं के घर में एक भी शौचालय नहीं है। आज भी वो महिलाएं लोटा लेके बाहर खेतों में जाती हैं और उनके साथ इतना घृणित व्यवहार होता है जिसको FIR तक भी वो लोग देने में, अंजाम देने में बहुत डरती हैं। घृणित महिलाएं मतलब कि क्या कहना का क्या जाता? घृणित व्यवहार मतलब उनका अटेम्प्ट टू रेप होता है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उनके ब्लाउजेस खींचे जाते हैं, साड़ियाँ खींची जाती हैं। आज भी इस समाज में कौन सा सरकार इसको देख रहा है? उन गरीब परिवार का क्या कोई हक नहीं है महिलाओं का? अभी हाल फिलहाल में 2-3 घटनाएं भी देखने को मिली है बक्सर में, बक्सर जिला में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है। उन लड़कियों के साथ, मैट्रिक एग्जाम दे रही लड़की के साथ जब वो शाम को बाहर गई, उसके साथ रेप हुआ, हो क्या रहा है बक्सर जिला में? मैं भी इसी जिले की लड़की हूँ, अगर मेरी बहनों के साथ ऐसा होगा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी भी पदाधिकारी को नहीं। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप लोग के रहते आपकी महिलाएं अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमे और ये गरीब महिलाओं का रेप हो खुलेआम शाम के समय, ये कौन सी अराजकता है? इसको अराजकता कहेंगे। क्या आर पार के मूड में है आप महिला? बिल्कुल आर पार के मूड में है। इन तीनों मांगों को मेरी जल्द से जल्द पूरी की जाए। तीसरी मांग क्या है? दूसरी शौचालय ही बोल रही हूँ ना, शौच के लिए जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है? तीसरा जो है, बिजली बिल में इतनी गड़बड़ी आ रही है कि घर घर परेशान है बिजली बिल को लेके। मैं गरीब महिलाओं के साथ रहती हूँ इसलिए मैं इनकी बात कर रही हूँ कि 1-8 वाट के बल्ब में 1 साल में 60,000 बिल कैसे आएगा? मुझे यहाँ बिजली डिपार्टमेंट के SDO ये बताएं, ये महिलाएं गए तो उनको क्यों वो भगाए हैं? अच्छा, ये लोग, मैं इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ है क्या? हाँ, इनके साथ जब इनके घर में बिल लेने वाला जब आता है तो इनका हाथ पकड़ के उनके साथ बदतमीजी भी किया है कि तुम दोगी कैसे नहीं। एक महिला का हाथ पकड़ने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के कानून ने किसी को? क्या इसको लेकर के कहीं आला अधिकारी से मिली है आप? मैं गई थी लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो औरत खुलेआम नहीं आना चाहती है। ये महिलाओं के साथ बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग अपनी लाज बचाने के लिए बहुत खुलेआम तौर पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि यही समाज फिर इन पे हंसता है कि अरे इसके साथ तो ये हुआ वो हुआ। लेकिन मैं चूंकि बोलती हूँ महिलाओं की बात, तो मैं इस बात को SP साहब तक रखूंगी और मैं मीडिया के सामने भी कह रही हूँ कि SP साहब सुनिए, आपके बक्सर जिला में हो क्या रहा है महिलाओं के साथ? एक बिजली बिल लेने वाला एक प्राइवेट कर्मचारी महिलाओं का हाथ पकड़ता है, मारपीट करता है। महिलाएं बाहर जाती हैं शौच के लिए तो उनके साथ मारपीट होता है, ये कोई तरीका नहीं। मिसाल के तौर पे कहीं की चर्चा कीजिए, कहां ये घटना? चर्चा इटाढ़ी ब्लॉक के ही गांव की है। और जो कर्म बिजली बिल का जो कर्मचारी जो प्राइवेट है वो आया है, वो ओड़ी गांव की महिलाओं के साथ मारपीट किया है। मैं उसका नंबर खोज रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, ना ही वो मेरे से मिलने आ रहा है, इसीलिए मैं आज ये प्रदर्शन कर रही हूँ 3 सूत्रीय मांग लेके। आप लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद मैं DM साहब को ज्ञापन देने जाऊंगी और इनको सारी मुद्दों से वाकिफ कराऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि बक्सर जिले की महिलाएं अब आर पार की मूड में है, बिजली बिल, शौचालय, जल नल को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के आज ये महिलाएं जो है आज सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। और आप देख सकते हैं इनकी बात, अगर जिलाधिकारी अगर ज्ञापन के बाद अगर कार्रवाई करते हैं तो यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, जहां रेप जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। हाल फिलहाल में 2-3 घटनाएं भी देखने को मिली, तो ये कहा जा सकता है कि बक्सर ज़िले में सब कुछ ठीक नहीं है। बक्सर से पंजाब केसरी, संजय उपाध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।